हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाशवाणी टेक। तो आज हम बात करने वाले हैं टेंडा W311MI वायरलेस N150 USB अडाप्टर की। ठीक है, तो ये टेंडा की तरफ से आता है वाईफाई अडाप्टर, जिसको हम पीसी में यूज़ करते हैं। तो इसको वाईफाई एज ए वाईफाई तो यूज़ कर सकते हैं आप, मतलब प्लग कीजिए और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए जो इसके साथ आते हैं, तो आप वाईफाई इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो अगर हॉटस्पॉट बनाने की बात आती है ना, वहाँ ये फेल हो जाता है। ठीक है, मैंने अपने लैपटॉप में भी ट्राई किया इसे, मेरे पीसी में भी ट्राई किया, तो इसका जो हॉटस्पॉट है वो काम नहीं करता है। जो इसके साथ सॉफ्टवेयर आते हैं उनके साथ ये बिल्कुल काम नहीं करता है हॉटस्पॉट। वैसे आप वाईफाई यूज़ कर सकते हैं जो जो रेंज कैच करके और वाईफाई कनेक्ट करके। ठीक है, तो आप इस इजीली इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं इसके साथ। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि कैसे आपने हॉटस्पॉट बनाना है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी, यूट्यूब पे देखी, हर जगह सर्च किया, तो मेरे को कभी कहीं पे भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिला। तो सबसे पहले पहला मेथड क्या करना है, जो इसके साथ ड्राइवर आते हैं ना, वो आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। जैसे प्लग करते ही जो एक पॉपअप आता है, तो पॉपअप आता ही आपने वो ड्राइवर इंस्टॉल कर लेने हैं। सबसे पहला मेथड ये है। ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आप अपना मैनेज पीसी में जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे जो डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, डिवाइस मैनेजर में जाके फिर आपको जाना है नेटवर्क एंड अडाप्टर्स, तो वहाँ पे ये डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये शो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, रियल टेक 810G वायरलेस लैंड। ठीक है, तो ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर पर जाना है, इस पर जाना है और लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर और माई कंप्यूटर। ठीक है, इस पे जाना है। वो जो ऊपर वाला है ना, ये रियल टेक, ये माइक्रोसॉफ्ट वाला, ये वाला करके यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप इसको एज ए मतलब हॉटस्पॉट बना पाएंगे इसको। ठीक है, इस हॉटस्पॉट आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, जैसे कई बार कनेक्ट होगा, कई बार नहीं होगा, कनेक्ट हो जाएगा लेकिन इंटरनेट नहीं चलेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएंगी। तो फिर क्या करना है, आपने दोबारा डिवाइस मैनेजर में जाना है। ठीक है, पहले तो हॉटस्पॉट यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, बेशक कैसा भी हॉटस्पॉट हो, हॉटस्पॉट आपका बन जाएगा। तो फिर दोबारा डिवाइस मैनेजर में जाना है, डिवाइस मैनेजर में जाके नेटवर्क में जाना है, और फिर ये जो ऑप्शन है ना, माइक्रोसॉफ्ट वाईफाई डायरेक्ट वर्चुअल अडाप्टर, ये शो होने लग जाएगा। जैसे आप हॉटस्पॉट बनाओगे ना, तो ये आने लग जाएगा। तो इस पर क्या करना है, अपडेट ड्राइवर पे जाना है, अपडेट ड्राइवर पे ये जाना है, ये करना है, और ये वाला ड्राइवर जो है ये आपने अपडेट कर लेना है। इसको अपडेट करने के बाद आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे अपने हॉटस्पॉट को। ठीक है, ठीक है, हॉटस्पॉट आपका मतलब बन जाएगा। अगर फिर भी नहीं बनता है, तो एक सेटिंग और मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से जाना है, चेंज नेटवर्क अडेप्टर ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इथरनेट पे जाना है, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके, शेयरिंग में जाके, अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने इथरनेट से मेरा कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो वहाँ से इंटरनेट शेयर करना है मुझे इस पे, तो शेयरिंग में जाना है, अलो करना है, और यहाँ पे लोकल एरिया कनेक्शन 1.2 सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप ये करेंगे ना, तो ये आपका इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा इस नेटवर्क पे। ठीक है, तो इस तरीके से हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम आप इसमें दूर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इस यही मॉडल, मैं ऐसा नहीं मैं कभी और मॉडल बताऊंगा, ये मॉडल आपने बाय किया है और ये मॉडल आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है, तब आप मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, तो वहाँ पे आपको मैं सॉल्यूशन बताऊँगा अच्छे से। वैसे तो मैंने तो यही प्रोसेस अप्लाई की थी जो मैंने आपको बताई, मेरे केस में तो ये चल गया। अब और भी मैंने यूट्यूब पे देखे थे, और भी जो गूगल सर्च किया था, लेकिन कोई भी मेथड वर्क नहीं किया मेरे केस में। उल्टा जो मेरी जो प्रॉक्सी सेटिंग्स थी, जो इंटरनेट सेटिंग्स थी मेरे इथरनेट की, वो भी चेंज हो गई, वो भी गड़बड़ा गई, तो इस तरीके से दिक्कत आ गई थी, तो दोबारा सेटिंग करनी पड़ी मुझे। तो ये इस तरीके से आप अपना जो ये टेंडा का W3 ये वायरलेस जो है यूज़ कर सकते हैं, और उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी आती है। जैसे कि मेरा 50 MBPS का प्लान है, तो 45-46 तक ये दे देता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ये है, और साइज़ में भी बहुत छोटा है, और 400 रुपये का, ये 499, लेकिन आप लोकल जाएंगे ना मार्केट में, तो वहाँ पे मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आपको, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।